पिछले साल अक्टूबर में रूस यूक्रेन जंग के दौरान एक बड़ी घटना घटी थी। यूक्रेनी सेना ने ताबड़तोड़ बमबारी करते हुए क्रीमिया ब्रिज को उड़ा डाला था। ये पुल रूस की साख का सवाल था और इसका टूटने पर रूस ने गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। रूस ने इसे आतंकी हमला करार दिया था, लेकिन अब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर ऐसी कमर तोड़ी है कि यूक्रेन में हाहाकार मच गया है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने उसका डैम उड़ा दिया है, जिस वजह से पूरा शहर और कई गांव डूबने वाले हैं। डैम टूटने से 4.8 अरब गैलन पानी यूक्रेन के शहरों और गांवों को डुबाने के लिए चल पड़ा है। बाढ़ की विभीषिका के चलते कोहराम मच गया है। हालांकि रूस इन आरोपों से इनकार कर रहा है, लेकिन यूक्रेन ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। बांध टूटने की वजह से युद्ध क्षेत्र में बाढ़ का पानी फैल गया है। निप्रो नदी बेसिन में बाढ़ आने से 24 घंटे पहले यूक्रेन जवाबी हमले की तैयारी में जुटा हुआ था। यूक्रेन के लोग रूस को कड़ा जवाब देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रूस के हमले ने एक बार फिर यूक्रेन को पस्त कर दिया। तबाही का ये वीडियो जिसने भी देखा उसके होश फाख्ता हो गए। बांध टूटने के बाद से ही आसपास के इलाकों में हाहाकार हो गया, क्योंकि पानी का लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांध टूटने से आसपास के 80 गांव पूरी तरह पानी में बह गए हैं। नीपर नदी पर बने इस बांध के टूटने की वजह से अरबों गैलन पानी तेजी से खरसान शहर की तरफ बढ़ चुका है। शहर, गांव, गलियां लबालब भरते जा रहे हैं। हजारों लोग बाढ़ में बुरी तरह फंस चुके हैं। यही वजह है कि यूक्रेन ने इसे रूस का आतंकी हमला करार दिया है।